गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि लाइफ में हमें जो कुछ नेचर ने दिया है वो क्या कंप्लीट है कि उसमें कुछ कमी है। दोस्तों, ये अधिकतर हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं कि मुझे कम मिला, उसे ज्यादा मिला, इस प्रकार की तुलना हम लोग करते रहते हैं। हम लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा, प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो रोता हुआ पैदा होता है, शिकायत करता हुआ जीता है और निराश मरता है। दोस्तों, ये कहा गया और ये हकीकत है। हम लोग रोते हुए पैदा होते हैं और शिकायत करते हुए जीते हैं और निराश मरते हैं। हमारे चेहरे में खुशी का भाव नहीं होता है। तो दोस्तों, आखिर खुशी है क्या? क्या खुशी किसी पैसों से खरीदी जा सकती है? क्या खुशी सामान बटोरने को कहते हैं? क्या खुशी प्रसिद्धि है? क्या खुशी नाम कमाना है? क्या खुशी ख्यात है, ख्याति है? क्या खुशी वो है जब सारे लोग आपको पसंद करते हैं और आपकी बात को मानते हैं? आखिर खुशी है क्या? तो दोस्तों, खुशी की तो कॉमन परिभाषा देना मुश्किल है। इसकी कॉमन परिभाषा देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक के लिए जो खुशी है वो दूसरे के लिए दुख हो सकता है। तो क्यों ना आज हम लोग उस खुशी की बात करें जो हमें दिली खुशी होती है, अंतरात्मा में खुशी होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि खुशी वह शब्द है, अंदर की एक ऐसी आवाज है जो हमें संतुष्टि प्रदान करती है, जिसको हम लोग किसी चीजों से, रुपए पैसों से, जमीन जायदाद से, धन दौलत से, दोस्तों से नहीं नाप सकते। जो हमें खुशी मिलती है, जो इनर फीलिंग्स जो हमें होती है, सेटिस्फेक्शन होता है, रिलैक्स मिलता है, रिलीफ मिलता है, वो खुशी है। इसको दोस्तों मैंने कहीं कहानी पढ़ी थी, मैं इसको कहानी के माध्यम से समझा। दोस्तों, इस कहानी का जो नरेटर है वो मैं हूं, मैं कहानी का किरदार बन जाता हूं, तो कहानी सुनाने में ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों, मेरे मोहल्ले में मैं एक छोटी जगह पर रहता था, जहां पर जब मैं रोज ऑफिस जाता था तो मैं देखता था कि छोटे छोटे बच्चे रेलगाड़ी का खेल खेल रहे हैं, रेलगाड़ी का खेल खेल रहे हैं। तो ये रोज कॉमन था, रोज उन लोग रेलगाड़ी का खेल खेलते थे। तो उनमें एक बात अनकॉमन थी, रोज रेलगाड़ी खेलना तो कॉमन था, लेकिन एक बात उसमें बिल्कुल मुझे अलग लगी। उसमें एक बच्चा था जो हमेशा गार्ड बनता था, और सारे बच्चे जो थे वो बदल बदल कर, कोई इंजन बनता था, कोई डिब्बा बनता था, कोई कुछ, लेकिन जो एक बच्चा था जो आखिरी में रहता था वो हमेशा गार्ड बनता था। तो मेरे मन में उत्सुकता हुई कि क्यों ना मैं इससे पूछूं कि बेटा, क्या तुम्हें इंजन बनने का मन नहीं होता? क्या तुम्हें रेल का डिब्बा बनने का मन नहीं होता? तो मैंने, वो बच्चा बड़ा छोटा था, बहुत ही मासूम था, तो मैंने उसको एक दिन बुलाया। मैंने कहा, बेटा क्या तुम्हारा मन कभी इंजन बनने का नहीं होता? क्या तुम्हें कभी डिब्बा बनने का मन नहीं होता? तो दोस्तों, उन्होंने जो जवाब दिया ना, उसकी आंखों में तो खुशी की चमक थी, लेकिन मेरे आंखों में थोड़े से आंसू आ गए। मैं दुखी हो गया था, मैं उदास हो गया था उसके जवाब को सुनकर। लेकिन दोस्तों, उसने मुझे बहुत बड़ा सबक दे दिया, एक जीवन का बहुत बड़ा सबक सिखा के चला गया। तो दोस्तों, हम लोग सुनते हैं कि उसने आखिर जवाब क्या दिया। क्या बेटा तुम्हें कभी इंजन बनने का मन नहीं होता? कभी तुम्हें डिब्बा बनने का मन नहीं होता? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, मासूमियत से जवाब दिया, और कहा कि अंकल, मेरे पास शर्ट नहीं है। आप तो देखते हैं कि मैं बिना शर्ट के खेलता हूं इनके साथ। जब मेरे पास शर्ट नहीं है तो पीछे वाला बच्चा रेलगाड़ी बनने के लिए मुझे कैसे पकड़ेगा? इसलिए अंकल, मैं हमेशा गार्ड बनता हूं, आखिरी वाला डिब्बा बनता हूं, और गार्ड बनकर बस मैं इस खेल का मजा लेता हूं। तो दोस्तों, सोचो इसने क्या सबक दिया। दोस्तों, हमें जो कुछ नेचर ने दिया है, जो कुछ हमारे पेरेंट्स ने दिया है, जो कुछ हमें मिला है, हम लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मुझे ये कम मिला। अगर वह बच्चा अपने माँ बाप के पास शिकायत करता और कहता है कि नहीं, मुझे शर्ट चाहिए, मुझे एक अच्छी शर्ट चाहिए, उसके बाद ही मैं कल खेलने जाऊंगा, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा करके भी शिकायत कर बैठ जाता अपने घर पे, हो सकता है कि वो समझता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए शर्ट नहीं दिला पाएंगे।
इसलिए उसने परिस्थितियों से समझौता करना अधिक समझा, अधिक उचित समझा, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरा मेन उद्देश्य, मेरा मुख्य उद्देश्य खेल खेलना है। अब मैं उस परिस्थिति से समझौता करके मुझे इस खेल का हिस्सा बनना है। इंजन बनना या डिब्बा बनना जरूरी नहीं है, मुझे उस खेल का हिस्सा बनना है, तो मैं क्यों ना गाड़ी बन जाऊं। उसने परिस्थितियों से समझौता किया। दोस्तों, लाइफ में भी ऐसे बहुत से मौके आते हैं, बहुत सी बातें होती है कि हमें वो सारा चीज नहीं मिलता जो लोगों को मिला हुआ है, लेकिन इसका हम लोग रोना लेके बैठ जाए। हम लोग ये रोना लेके बैठ जाए कि उसे मिला, मुझे नहीं मिला, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं है, मुझे, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। हम लोग शिकायत करने बैठ जाए। दोस्तों, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें परिस्थितियों से समझौता करना पड़ेगा। हम लोग कितनी शिकायत करते हैं दोस्तों। रंग सावला है तो उसकी शिकायत करेंगे, हमें कुदरत ने अच्छी हाइट नहीं दी है उसकी शिकायत करेंगे, हमें अच्छी नौकरी नहीं मिली उसकी शिकायत करेंगे, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है उसकी शिकायत करेंगे, हमें अच्छे से अंग्रेजी नहीं आती उसकी शिकायत करेंगे। लेकिन उसको कैसे दूर करें, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको कैसे दूर कर सकता हूं, ये हम लोग नहीं सोचते हैं, बस शिकायत करने लग जाते हैं, उसके पास है मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों, क्यों ना हम लोग परिस्थितियों को से समझौता करना सीखे, या ये सोचे कि आज मैं उस खुशी को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं, उस खुशी को न टालते हुए आज मैं क्या कर सकता हूं कि मैं खुश बना रहूं या मैं उस खेल का हिस्सा बना रहूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये मार्मिक कहानी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज दोस्तों, लाइफ में शिकायत न करें, जो कुछ है उसमें खुश रहें, ये तो सही है, लेकिन आगे अगर बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए आप में मेहनत तो करना पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा, लेकिन यह बातें स्टेप बाय स्टेप ही आप पा सकते हैं। और आपकी कोशिश में कम ज्यादा हो सकता है, कोशिश कभी बंद ना करें, प्रयास करते रहें, हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि हमें वो चीज तुरंत नहीं मिल पाती है, उसके लिए समय मिलता है, बट नेवर स्टॉप योर एफर्ट, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड हैव पेशेंस, वन डे और द अदर डे यू विल हैव इट। सबसे पहले हम अपने आप को आके, हमने अपने आप को समझे कि मुझ में क्या कमी है, मैं ये चीज क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं, मैं क्या सुधार कर सकता हूं, मैं कौन कौन से अपने में परिवर्तन कर सकता हूं ताकि मैं आगे बढ़ूं और मुझे वो सब कुछ मिल जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू। जस्ट दोस्तों, एंजॉय योर लाइफ, स्टे रिलैक्स, स्टे सेटिस्फाइड, बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी, यही दुनिया का दस्तूर है। इफ यू लव द होल वर्ल्ड विल लव विथ यू, If you cry, you cry alone. अगर आप हंसते हैं तो पूरा संसार आपके साथ हंसता है, अगर आप रोते हैं तो आप अकेले रोते हैं। दोस्तों, रोने वाले का कोई साथ नहीं देता। प्लीज स्टे हैप्पी, स्टे रिलैक्स, स्टे सेटिस्फाइड, बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। थैंक यू मेरी इस कहानी को सुनने के लिए, धन्यवाद। इसी प्रकार की मैं छोटी छोटी बातें, शिक्षाप्रद बातें जो मैंने कहीं से पढ़ी है, जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है और आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि लाइफ क्या है, उसकी खुशी क्या है, सफलता क्या है और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई कोशिश के साथ और एक नए प्रयोग के साथ।